वैद्याज किचन शो में आप सभी का स्वागत है आज हम कुछ टेस्टी रेसिपी बनाएंगे तो चलिए रेसिपी हम आपके साथ शेयर करते हैं अभी आम का सीजन है तो आज हम आम से मालपुआ बनाएंगे मालपुआ बनाने के लिए पहले हम आम लेंगे तो दो आम को छील के हम काट लिए हैं अब इसे हम पीस कर इसका प्यूरी बना लेंगे तो इस तरह से प्यूरी हम तैयार कर लेंगे पुआ बनाने के लिए हम आधा के जी मैदा लेंगे वन फोर चम्मच हम बेकिंग सोडा लेंगे इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसमें जो हम आम का प्यूरी तैयार किए थे वो प्यूरी डालेंगे बैटर बनाने के लिए हम दूध लेंगे और आवश्यकता पड़ेगी तो थोड़ा पानी भी हम डाल लेंगे आप चाहे तो सिर्फ दूध से भी बना सकते हैं या पानी से भी बना सकते हैं इस तरह से अच्छे से हम मिक्स करते हुए स्मूथ बैटर तैयार करेंगे मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका तहे दिल से धन्यवाद तो इस तरह से हम स्मूथ बैटर तैयार कर लेंगे बैटर तैयार हो चुका है तो इसे ढककर हम आधे घंटे के लिए रख देंगे अब हम चाशनी तैयार करेंगे चाशनी बनाने के लिए ढाई सौ ग्राम चीनी लेंगे एक गिलास पानी डालकर चाशनी तैयार करेंगे कुटी हुई हरी इलायची डालेंगे कुछ केसर के धागे डालेंगे और हम एक तार की चाशनी तैयार कर लेंगे चाशनी की पूरी रेसिपी देखने के लिए आप मेरे रस भरे मालपुए की रेसिपी देख सकते हैं लिंक हम डाल देंगे इस तरह से हम बैटर तैयार कर लेंगे अब कढ़ाई में हम तेल गरम करेंगे और पुए को हम फ्राई करेंगे कढ़ाही हम जिलेबी वाली लेंगे पुए को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे यह पुआ खाने में काफ़ी टेस्टी लगता है और यह सीजनली पुआ है क्योंकि आम सीज़न से ही मिलते हैं और अभी आम का सीज़न है आप भी अपने किचन में आम वाले माल पुए ज़रूर ट्राई करें और ये खाने में आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह से इसे हम पलट लेंगे और अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे कभी कभी बच्चों की डिमांड होती है कि कुछ अलग खाना है कुछ मीठा खाना है और उन्हें समझ भी नहीं आता कि क्या खाना है तो एक यह अच्छी रेसिपी है इसे आप बनाकर बच्चों को बड़ों को खिला सकती हैं घर पर कोई गेस्ट आए तो आम से ये यूनिक रेसिपी बनाकर उन्हें आप सर्व कर सकते हैं जब तक पुआ फ्राई हो रहा है एक बार हम चाशनी देख लेंगे कि चाशनी बनकर तैयार हुई है कि नहीं तो चाशनी बनकर तैयार है इस तरह से हमें चाशनी तैयार करना है और पुए भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं तो इसे हम तेल से निकाल लेंगे पुए को फिर हम तलने के लिए तेल में डालेंगे अब तले हुए पुए को हम चीनी की चाशनी में डाल लेंगे पुए को चाशनी में हम अच्छे से डीप करेंगे और दो से तीन मिनट तक इसे हम चाशनी में ही छोड़ देंगे और तेल में जो पुआ फ्राई कर रहे थे उसे भी हम पलट के गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे अब चाशनी से पुआ हम निकाल लेंगे और ये पुआ भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं तो इसे भी अब तेल से निकाल कर हम चाशनी में डाल देंगे इसी तरह सारे पुए तल कर हम तैयार कर लेंगे मालपुए को हम रबड़ी के साथ सर्व करेंगे तो हम रबड़ी भी बनाकर तैयार कर, कर लिए हैं अब रबड़ी से हम पुए को सजाएंगे और टेस्टी आम का मालपुआ बनकर तैयार है इसे आप रसपुआ भी बोल सकते हैं आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं तो स्वादिष्ट आम का मालपुआ बनकर तैयार है गर्मा गर्म आप इसे इंजॉय करें उम्मीद है आम के मालपुआ की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद